एक दिन जी शेख जी लाहौर में से पूछते हैं कि हम जिस अफसर को अटक पोस्ट करते हैं वो जाते नहीं है और जब चले जाए तो वो फिर आते नहीं है। तो मैंने उनको कहा जी कि अटक के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़ा एक मेहमानों को बड़ा रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं, इसलिए जो भी वहां जाता है फिर वो आता नहीं है। यही वजह है कि ये आप कामरा की तरफ अगर चले जाएं तो जितने भी हमारे पीएससी कामरा के लोग रिटायर हुए वो सब यहीं सेटल होते जा रहे हैं। इस तरह संजवाल आर्टर सिटी के अटामक एनर्जी के लोग, तो इसमें मैं आखिर में आपका भी साथिया आपका भी जीवन का भी बहुत मशहूर हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में अपने इसकी प्रेजेंटेशन की है। कासिम शाह साहब ने बड़ा एक डिटेल तकरीर की और बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की है, तो मैं आखिर में आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि ये जो एक कोशिश है, भरपूर कोशिश है मलिक जावेद साहब की, अगरचे मैं खुद भी मसरूफ रहता हूँ, मुलाकात तो महीने में एक आध दफा से होती है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इसलिए इनका दुआ गो हूँ कि ये एक बड़े अच्छे इंसान हैं और आज दिन तक इनकी कमिटमेंट में कभी कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए, ये फले फूले और पाकिस्तान फले फूले, अटक फले फूले, इसके लोग खुशहाल चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। ये सारी बातें तो हमने तब आपसे पूछी थी तब आपने ऊपर जाना था स्टेज के ऊपर, लेकिन अभी आपकी चूंकि सालगिरह भी है तो उस हवाले से बताइए, बुजुर्गों का हाथ, बड़ों का जो हाथ होता है और बड़ों की जो एफर्ट्स होती हैं उनका बड़ा रोल होता है, तो आप बताएं अटक के लोगों को अपनी सालगिरह के मौके पर क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मेरा सियासत से ताल्लुक है बुनियादी तौर पर, मैं 6 दफा इस हल्के से मुंतखब हुआ हूँ। अटक के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है और मैंने भी दिल खोल कर इनकी खिदमत की है, मुझे कोई जरा बार भी मेरे दिल में मलाल नहीं कि मेरी खिदमत में कोई फर्क रह गया हो। जिस तरह मेहरिया को कामयाब करने में या खूबसूरत बनाने में मलिक जावेद साहब का किरदार है, इस तरह अटक डिस्ट्रिक्ट को एक खूबसूरत जिला बनाना, खूबसूरत इलाका बनाना, बुनियादी सहूलतें देना, सुई गैस है, बिजली है, सड़कें हैं, अब हम यहाँ पर एक अपनी यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इन्होंने भी मुझे बड़ा प्यार दिया और मैंने भी दिल खोल कर जो खिदमत हो सकती मैंने की, मुझे सुकून है कि मैं कल अपने अल्लाह के सामने शुक्र हो जाऊं। जबरदस्त मेहरिया।